अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइसोसोम्स का फंक्शन। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं और लाइसोसोम के कौन कौन से काम हो सकते हैं, ये अब हम पकड़े। आज की जो वीडियो है वो लाइसोसोम के फंक्शन के रिलेटेड है कि लाइसोसोम बेसिकली हमने पढ़ा था ये डाइजेस्टिव सैक लाइक ऑर्गेनिज्म होती हैं, ये एक थैली हैं जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑब्वियस बात है डाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन वो कौन कौन सी करते हैं और इसके अलावा लाइसोसोम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो लाइसोसोम डाइजेशन का काम करते हैं। इनका काम क्या जी, ब्रेक डाउन करना ऑफ फूड। लाइसोसोम फूड पार्टिकल्स की ब्रेक डाउन करते हैं जिसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। यह डाइजेशन दो तरह की हो सकती है। नंबर वन, सबसे पहले इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है जी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या होगा कि एक सेल वो एंडोसाइटोसिस के जरिए बाहर से फूड मटेरियल को या कोई भी हम फूड मटेरियल को एज अ फूड वैक्यूल अंदर लेके आएगा। उसके अर्द के सेल मेम्ब्रेन जब एंडोसाइटोसिस होती है तो उसका कुछ पोर्शन लिपट जाता है जिसकी वजह से वो एक फूड वैक्यूल बन जाता है। तो ये ले जी, फर्ज करें ये कोई फूड पार्टिकल्स है जो कि लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में हो सकता है। तो सेल एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए यानी कि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाते हैं और फिर बाद में ये हिस्सा फ्यूज होकर जुड़ जाता है जिसकी वजह से चीज़ क्या होती है, फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर आ जाती है। और यहाँ पे पहले से लाइसोसोम मौजूद होता है जिसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। इस लाइसोसोम के को इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ये प्राइमरी लाइसोसोम है। तो ये दोनों फ्यूज होंगे जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर जो कॉन्टेंट है जिसे हम लोग लाइसोसोम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का नाम दे रहे हैं वो क्या करेंगे, इस फूड वैक्यूल के अंदर जो कंपोनेंट होंगे उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देंगे। उसकी डाइजेशन करने के बाद जो यूजफुल कंपाउंड होंगे जो सेल को डाइजेशन में चाहिए वो सेल अपने साइटोप्लाज्म में लाइसोसोम भेज दिए और जो बाकी बचने वाली चीज़ है वो क्या करेगी जी, रेजिड्यू बॉडी के नाम से कहलाएगी। या अब ये क्या जी, ये वो वैक्यूल है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, इसके अंदर वो फूड है। सबसे पहले वैक्यूल है, प्राइमरी लाइसोसोम इसके साथ बाइंड करता है इन दोनों की फ्यूजन से क्या बनता है जी, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है, फूड की डाइजेशन करता है। फूड की डाइजेशन के बाद जो चीज बचती है डाइजेस्टिव फूड को साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है और जो चीज बचती है इसे एक्सोसाइटोसिस के जरिए क्या किया जाता है जी, बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस टाइप की डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कह रहे होते हैं। इसके अलावा जो फॉरिगन ऑब्जेक्ट सच लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है जी, ये भी जब किसी सेल के अंदर एंटर होते हैं जैसा कि फैगोसाइटोटिक सेल, ल्यूकोसाइट्स भी हम लोग कह सकते हैं उन सेल्स को, उनकी एक टाइप में से है। तो जब ये बैक्टीरिया या वायरस उन सेल में दाखिल होते हैं तो उन फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर ये लाइसोसोम ही होते हैं जो इस बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर अटैक करते हैं, उसके बॉडी को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसकी बॉडी की डाइजेशन कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है हमें या ये बैक्टीरिया जो होता है ये मर जाता है, जिस्म के अंदर ये बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है और वो डिजीज़ वो बीमारी जो इस बैक्टीरिया ने करनी होती है वो एक जानवर को या एक एनिमल को जिसकी बॉडी में गया है नहीं होती। देन उसके बाद दूसरी टाइप है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है जी, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, इसमें बेसिकली सेल अपने लाइसोजाइम के एंजाइम या लाइसोजाइमिक एंजाइम्स को सेल के बाहर रिलीज करवाता है, जैसा कि फर्टिलाइजेशन का एक फिनोमेना। इसमें क्या होता है, एक एग सेल और एक स्पर्म सेल होता है। तो स्पर्म सेल के एक्रोसोम, ये जो इसकी टिप होती है इसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम से क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम एग की एक थोड़ी सी मेम्ब्रेन के पोर्शन को या स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। किस तरह, ये जो सेक्रीशन है इसे हम लोग लाइसोसोम कह रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ये स्पर्म बेसिकली एंटर हो जाता है एग के अंदर और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद कैरियोगैमी होती है, न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है और एक जायगोट बनता है।
इसी तरह जो मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है जी, जो के मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, खास तौर पे लार्वा से फ्रॉग बनना, तो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में लार्वा से जो फ्रॉग बनता है उसमें जो लार्वल टेल होती है, ठीक है जी, जो लार्वा की क्या होती है, टेल होती है, उसे भी इसी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान आप ये कह सकते हैं डाइजेस्ट किया जाता है। उसकी डाइजेशन से जो लार्वल फ्रॉग की टेल थी, ठीक है जी, टैडपोल लार्वा है, उसकी टेल की डाइजेशन हुई है, उस डाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ये लार्वे का जो कंपोनेंट बचेगा या जो ऑर्गेनिज्म बचेगा जब इसकी टेल डाइजेस्ट हो रही है, तो जो जानदार बचेगा वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है और वो लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉग के अंदर। और इसकी जो एक टाइप लाइसोसोम के फंक्शन में जो हमने एक और काम पढ़ा हुआ है वो है जी ऑटोफैगी, ठीक है जी। ऑटोफैगी क्या है कि यह भी हमने पढ़ा है कि सेल जब स्टारवेशन की कंडीशन में होता है, कि जब इसे खुराक नहीं मिल रही होती, तो ये अपने अंदर डेड फॉल्टी ऑर्गेनिज, ऐसी ऑर्गेनिज जो मटेरियल यूज कर रही है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, ये क्या करता है, उसकी डाइजेशन करता है। मोस्टली लाइसोसोम जो ऑर्गेनली होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको डाइजेस्ट किया जाता है और डाइजेशन से जो फूड मटेरियल और एनर्जी निकलती है, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसकी सेल मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह होंगे, तो उसकी डाइजेशन से कुछ फूड पार्टिकल्स और कुछ एनर्जी निकलती है, सेल इसे यूज करता है और अपने आप को सर्वाइव करवाता है, कब, एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि स्टारवेशन के दौरान। और इसी की एक और टाइप है जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस क्या है, इसे हम लोग कहते हैं सेल्फ ब्रेकडाउन, यानी कि जब किसी सेल की प्रोग्राम डेथ होनी होती है तो उस दौरान सेल के अंदर